हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक विद टीजी, योर फेवरेट शो ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पे हम बहुत सारी चीजों के बारे में, टेक दुनिया में जो जो चीजें हो रही हैं, नो वी टॉक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल। एंड दिस एपिसोड इज वेरी स्पेशल, क्योंकि मैं आपको मिलवाने वाला हूं विद समवन स्पेशल। एट द सेम टाइम आई एम गोना शो यू समथिंग रियली एक्सक्लूसिव। इन आवर प्रीवियस एपिसोड अबाउट सेमीकंडक्टर्स, वी लर्नड अबाउट देम इन अ थ्योरेटिकल वे, जहां पे हमने बहुत कुछ जाना व्हाट एग्जैक्टली दीज चिप्स आर, हाउ इंपॉर्टेंट दीज चिप्स आर, कैसे बनती है एंड एवरीथिंग। एंड अभी व्हाइल आई वाज थिंकिंग टू मीट समवन, ओनली वन नेम कम्स टू माय माइंड, यू नो द पर्सन हु हैज हिमसेल्फ मेड दीज चिप्स, हु हैज हिमसेल्फ बीन इन द फील्ड, एंड नाउ ही इज इन द गवर्नमेंट giving guidance to the map of semiconductor chips in India going forward. So let's hear straight from Mr. Rajiv Chandrasekhar, unka kya kehna hai about semiconductor chips. My name is Gaurav, aka Technical Guruji. Jaldi se aage badhte hain, chaliye shuru karte hain. Sir, welcome to the show. चलो शुरू करते हैं जी। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर, आपसे बात करके आई एम श्योर वी गोना लर्न अ लॉट। नहीं देखिए, किसको पता था कि मेरा जो जर्नी शुरू हुआ था सिलिकॉन वैली में, और मैं एक इंजीनियर था और फिर सीपीयू आर्किटेक्ट बना पेंटियम पे। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट एंड दैट वी आर एट दिस पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जहाँ पर हम एक सपना ही नहीं, उस सपने को साकार बनाने के लिए हमारे मेहनत लगा रहे हैं कि भारत भी एक सेमीकॉन देश बने। ये पिछले 75 साल में हम एक तरह से वी हैड मिस द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर बस एज ए नेशन। और इस वक्त पे मुझे एक थोड़ा सा रोल मिला है एक टू कंट्रीब्यूट, सो दिस इज अ वेरी फॉर्चुनेट एंड आई एम डीपली प्रिविलेज एंड ऑनर्ड फॉर इट। What's the challenge? ऐसा क्या हुआ कि हम अभी तक वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए हैं जो शायद हमें करनी चाहिए थी? वेलेंटाइन आज देख रहे हैं कि इंडिया में वी आर एबल टू यू नो मैन्युफैक्चर ऑल दीज थिंग्स बट नॉट द चिप्स। What's the challenge? मेरा मानना है, मैं कोई इसको ज़्यादा हिस्टोरियन के रूप से नहीं बता रहा हूँ, मैं एज एन इंजीनियर एंड एज एन एंटरप्रेन्योर, फॉर्मर एंटरप्रेन्योर, कि हमारे देश में कॉन्फिडेंस नहीं था। और एक तो कॉन्फिडेंस, दूसरा विजन, कि हमें इस सेक्टर में एक अपॉर्चुनिटी देखकर हमें इसको हमारे देश में कैपेबिलिटीज बनाने हैं। आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे, हमारे देश में इंडिया को पहले ऑफर 1956 में मिला था टू सेट अप अ पैकेजिंग प्लांट ऑफ फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड इन 1956। एंड वी इन दोज डेज हम बड़े सोशलिस्ट थे, हम सोशलिस्ट इकोनॉमी पे ज़्यादा, और हम एंटरप्रेन्योरशिप पे बल देते नहीं थे, तो उनको हमने ठुकरा दिया। एंड दैट कंपनी देन वेंट ऑन टू क्रिएट इन मलेशिया विच इज़ नाउ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट पैकेजिंग सेंटर्स इन द वर्ल्ड फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो हमारे देश की हिस्ट्री में मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारे हैं, लेकिन उन मिस अपॉर्चुनिटीज़ में एक बड़ा मिस अपॉर्चुनिटीज़ था और रहा था सेमीकंडक्टर। Why is it so important to set this entire thing in our country? There are two, three trends that every one of us who is interested in this sector must understand. Ek to duniya bhar digitization, yani technologification of our lives is accelerating. Yes. And as a consequence of that, digital products, and products that we use every day are digitizing rapidly. So electronics who are platform जो consumer use करता है या सरकार या enterprise use करता है, उस platform का heart and soul है semiconductor. तो अगर एक आज EV देखेंगे आप, Tesla जैसे एक EV गाड़ी, उसमें मैं भी हैरान हो गया, उस एक गाड़ी में 1500-2000 chips होते हैं। मैंने कुछ 100-200 सोचा था, we just value it, okay. So आप देख रहे हैं कि digitization of almost every activity and every sphere of our life is causing internal demand for semiconductors. और COVID के बाद एक global realization हो गया है कि ये semiconductor का जो value chain बहुत concentrated है ताइवान में, कोरिया में, US में, और ये इसको एक तरह से diversify करना, इसको एक तरह से trusted करना, resilient करना दुनिया के लिए भी अच्छा है, और हमारे जैसे देश जो एक तरह से
कंज्यूमिंग नेशन भी है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और एक प्रोड्यूसिंग नेशन भी है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, उन हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिपेंड ना करें कल कि किसी एक देश पर, या हम डिपेंड ना करें एक वल्नरेबल सप्लाई चेन पर। सो आई सी वी हैव सम ऑफ द चिप्स हियर, इफ यू कैन गिव सम इनसाइट्स दैट यू नो द स्टोरी बिहाइंड दीज चिप्स। एंड दिस इज अ चिप, दिस इज कॉल्ड शक्ति। This is designed by IIT Chennai, a startup incubated in IIT Chennai. It is a chip based on what we call the RISC-V. It is a new and emerging ISA, instruction set architecture. It is open source architecture. Aur isme we are designing next generation chips for artificial intelligence, for microcontrollers, for IoT. Aur ye ek family hai. चिप का, इट्स कॉल्ड शक्ति, शक्ति माइक्रोप्रोसेसर, शक्ति। इसका डिजाइन पूरा इंडिया में हुआ है और उसका फैब्रिकेशन टीएसएमसी और इंटेल में हुआ है। एंड व्हाट इज द टेक्नोलॉजी साइज? दिस इज द टेक्नोलॉजी इज 22 नैनोमीटर्स एंड इवन लोअर, एंड वी आर, दे आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट, बाय एंड ऑफ 23 दे आर प्रपोजिंग अ टेप आउट इन 7 नैनोमीटर्स एज वेल। ये है अगेन वेरी वेरी प्राउड ऑफ व्हाट इंडिया इज केपेबल ऑफ डूइंग। स्टार्टअप है अकॉर्ड, ये भारत सरकार और इस स्टार्टअप के बीच। दिस इज द देसी जीपीएस, दिस इज द देसी जीपीएस नाविक चिप विच रिसेंटली इसरो हैज लॉन्च्ड अ नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, और ये चिप जाएगा हर फोन में आने वाले एक दो साल में, और हमारा जो जीपीएस और लोकेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होगा इस चिप पे चलेगा हर फोन पे या हर सिस्टम पे। वी वोंट बी रिलाइंग ऑन जीपीएस, वी विल हैव आवर ओन, वी विल हैव आवर ओन कॉन्स्टेलेशंस, and the controller and the logic chip that will power all the software application that use those satellites will be, is already designed here. And as I said, there are so many others. This is again a chip that is designed completely by Indian talent and Indian startups. This is a chip called the Vega chip, again a RISC-V chip. This is again a system design, this is the chip, aur ye pura system design hai, aur an IoT controller. To hamare desh mein abhi jo सेमीकंडक्टर की दुनिया में डिज़ाइन के स्टार्टअप्स कम ही थे जी, और आज के दिन में वी हैव मोर देन 30 डिज़ाइन स्टार्टअप्स दैट आर डूइंग ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ फ्यूचर रेडी वर्क। सो वी विल नॉट बी डूइंग 28 नैनोमीटर, वी विल बी डूइंग अ 40 नैनोमीटर फर्स्ट फैब इज माई एक्सपेक्टेशन। इसमें एडवांटेजेस भी हैं क्योंकि 40 नैनोमीटर एक मेच्योर टेक्नोलॉजी है और उसमें रिस्क कम है। तो शुरुआत में कटिंग एज टेक्नोलॉजी लेकर अगर हम शुरू करेंगे, उसके सोफिस्टिकेशन, उसका टेक्नोलॉजी का स्टेबिलिटी, क्या हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, उसके सारे रिस्क के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमने तय किया कि हम एक मैच्योर नोड को पहले इम्प्लीमेंट करेंगे और धीरे धीरे उस मैच्योर नोड को एडवांस नोड में प्रोग्रेस करेंगे। So I think everyone would be curious to know, speaking of nanometers, जो आप nanometer बोल रहे हैं वो क्या signify करता है, and in this chip how many, let's say a rough reference of the number of transistors and everything, because I am sure if you think of a billionth of a meter, yes, that's what a nanometer is, yes. And I mean, it's very, you know, hard to imagine itself. Yeah, no, it is, toh, yeah. It is impossible to imagine in the human context. Yeah. Meter se millimeter is this much. Yes. Now millimeter ko aapne 1000 mein divide karke you reach micron. Now that micron certainly is not visible. That micron ko you further divide it into 1000 and you get to nanometer. And that is the transistor. And that is the scale that is going on. That is the scale at which here. This is being manufactured. Now, if you get that, if you wrap your head around that concept, and then you think about manufacturing at that scale, at that precision, then you understand why fabs are so sophisticated. Then you understand why packaging units are so sophisticated. Think of the clean rooms, think of the investments. Think of the technology that is used to create that kind of equipment, the X-ray lithography, the optical lithography, the kind of equipment that is used to create those etchings on a substrate. It is a very, very different type of scale of all these steps, like done on this piece of silicon. Yes. And what we have is multiple chips, and everyone, like, you know, like each individual chip is having, I mean, like millions and millions of these transistors inside. Absolutely.
जैसे व्हेन आई वाज एट इंटेल एंड वी आर नाउ टॉकिंग ऑलमोस्ट 30 इयर्स अगो वी द पेंटियम वाज अ मिलियन ट्रांजिस्टर्स ओके द 486 एंड दैट वाज अ बिग अचीवमेंट कि हमने मिलियन ट्रांजिस्टर्स एक स्क्वायर में डाल दिया ये तो आज हम वी आर डूइंग मल्टीपल बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन अ you know small like size of a thumbnail yeah, thumbnail exactly right exactly that is the correct in a thumbnail imagine you are putting 3 4 5 10 billion transistors and that is the sophistication of the manufacturing and if you get one element in a number of variables wrong the entire process the entire batch goes to waste yeah. and that is again millions of dollars of losses so thanks a lot for all the insights thank you and I'm going to go to SCL now yes I'm going to show all the viewers I'm like I'll definitely show all of you what SCL is doing right now abhi humne sir se pura samjha hai but then I'm going to demonstrate at SCL that how like this is straight from SCL what they do to manufacture this absolutely so guys straight away to SCL now and I'm sure you're going to enjoy this entire episode talking about hearing about learning about semiconductors thank you sir thank you Hello guys, welcome back after the break to your favorite show of Tech with TG and abhi main aa pahuncha hu seedha in Mohali at SCL aur yahan pe right inside we have some amazing stuff going on in the field of semiconductors. Let's go and explore these chips in detail right here at SCL. Guys, I'll tell you some amazing fact about this space where I'm in right now. ये इंडिया की पूरे देश की सबसे ज़्यादा साफ जगह है यहाँ पे सबसे पहले वेफर को हम जो टाइप का वेफर हमें यूज़ करना है जी. उसको सिलेक्ट करते हैं ओके. हम येलो पॉड से वेफर को ट्रांसफ़र करते हैं एक वाइट पॉड में इसके अंदर वेफर ट्रांसफर होने के पश्चात वेफर लेजर मार्किंग मशीन पे जाएगा सबसे पहले रेसिपी वहां से सिलेक्ट होगी ओके रेसिपी सिलेक्ट करने के बाद वन बाय वन वेफर अंदर जाएगा और लेजर से उस पर कोडिंग कर दी जाएगी जैसा कि आपने कहा था वहां इसका फ्यूचर में आइडेंटिफिकेशन रहेगा क्या लॉट है कौन से डिवाइस के लिए ये लॉट रहा yeah. So this is the area where you can see the wafer at macroscopic level in 457 steps 200 steps are for inspection तो सर ये हमारे पास दो मैजिक मशीन हैं जो कि लिखने का काम करती है वेफर पर इनको हम लिथोग्राफी मशीन बोलते हैं एक मशीन का नाम है स्टेपर एक मशीन का नाम है स्कैनर वेफर के बॉक्स को यहाँ लोड कर देते हैं लोड करने के बाद एक रेसिपी सिलेक्ट करी जाती है वो रेसिपी क्या करती है वेफर को बेकिंग करेगी उस पर फोटोरेजिस्ट डालेगी और उसको एक यूनिफॉर्म कोटिंग कर देगी फोटोरेजिस्ट की जो लेयर हमने पर्टिकुलर थिकनेस की सर जी ये सब मास्क है सर फॉर डिफरेंट ये डिफरेंट डिवाइस डिफरेंट लेयर्स जैसा कि मैं बता रहा हूँ जब एक पर्टिकुलर एसिक बन रहा है मुझे कम से कम 23 मास्किंग लेयर की ज़रूरत पड़ती है बार 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 लेकिन हर मास्क में अलग अलग लेयर हैं जी तो अगर आप देखें ये मास्क है ये स्ट्रक्चर हैं जो कि क्रोम के अंदर प्रिंटेड है जो डिज़ाइनर ने हमें दी हैं सर तो आप कोई भी वेफर इसमें से उठा सकते हैं मैं इसको ऐसे लगाऊंगा सर इसके साथ वेफर पकड़ लिया इसने आपको कुछ आपने कुछ प्रेस मैंने कुछ नहीं किया अभी अच्छा ये वेफर आपका दिखाया इस वेफर के ऊपर आपके पास सिलिकॉन ऑक्साइड और सिलिकॉन नाइट्राइड की लेयर है और मैं जब इस वेफर को वापस किसी स्लॉट में डालता हूँ सर जी इस स्लॉट में डाल के बिल्कुल सीधा देन यू प्रेस द बटन मैं इसको प्रेस करूंगा बटन ताकि वैक्यूम रिलीज हो जाए ये वेफर घूम रहा है इसमें रिंस एंड ड्राई प्रोसेस हो रही है ओके okay.
So in this machine, we can do three processes. You can load your open cassette here. Okay. And you can do here dielectric etching, metal etching, and then ashing the wafer. Okay. So all the three different processes on a single platform, but in different chamber. In a sequence. Yes, yes. Wafer which came from that will be in this form, 8-inch wafer. Okay. So once this wafer came, we used to dice it, and after dice, we used to package it in some kind of a different kind of a packages. Hmm. And once the testing, wafer level testing is also being done here, and identifying the good dice and bad dice, and then the wafer is diced. Hmm. Good dies are picked and they are kept separate for packaging. So these are the different type of packages which we have for different applications. Okay. So depending upon the applications, you use to use different packaging. So इसमें एक मुझे बहुत exciting लग रहा है. Right. In fact, दो मैं बोलूँगा. बोलिएगा. One is Vikram. Yes, yes. And one I can see Navik. Navik. Yes. You have rightly captured, Gaurav ji. Vikram is the workhorse of all launch vehicles in India. Talk about PSLV, GSLV. Vikram is the pilot. And Navik is used for the communication. It's a payload, ASICS. Ji. However, rest of the ASICS which has been shown here, sir, they are for different applications in the payloads. These are the products which are space qualified. ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये हमने वेफर में से निकाला, जो आपको यहाँ पे चारों तरफ पिंस दिख रही हैं ये आपके कनेक्टर पॉइंट्स बन जाते हैं बाहर की दुनिया से, जहाँ पे आप इसको यू नो लगाएंगे अपने बोर्ड पे। अब इंटरफेसिंग के लिए अगर आप देखोगे तो चारों तरफ 25 माइक्रोन की थिकनेस के वायर्स लगे हैं, मतलब मैं देख पा रहा हूँ बहुत एक पर्टिकुलर एंगल पे मेरे को दिख रहा है, अदरवाइज इट्स एज गुड एज कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। And this is all done by this machine. It's magic actually. मतलब जिस scale पे operate हो रहा है, the पूरा जो ऊपर wire का role है वो दिख रहा है। This entire process of you know semiconductors, it's very challenging at kind of each you know step. बनाने से पहले preparation, बनाया उस time पे complete processes, बन गया उसके बाद में complete करने के लिए well you know you test it, you do the packaging to get it मार्केट रेडी। व्हाट एन अमेजिंग 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 एपिसोड गाइस, आई एम श्योर आप सभी को मजा आया टू सी एवरीथिंग अप क्लोज। आई मीन यू नो वी हैड एन अमेजिंग इंटरेक्शन विद राजीव सर, और उसके बाद सीइंग एवरीथिंग इन पर्सन इतना नजदीक से यू नो लाइक हम सबको मालूम चला कि व्हाट्स हैपनिंग एट SCL, क्या लेवल की टेक्नोलॉजी है। एंड दिस इज द रीजन यू ऑल लव दिस शो, बिकॉज यहीं पे आपको मिलता है ऐसी ही टेक्नोलॉजीज का पिटारा एक साथ, बिकॉज टेक इज ऑलवेज फन एंड स्पेशली एट टेक विद TG आई ब्रिंग दिस फन टू यू एवरी वीक। और अगर आपको चाहिए अगले हफ्ते कुछ और एक्साइटिंग, डोंट फॉरगेट टू राइट मी एट tg@interview.com, जहां पे आप अपने सवाल, सुझाव, क्वेश्चंस, क्वेरीज, फीडबैक जो भेजना है भेज सकते हैं। I'm gonna see you next week. That's all for now. Have a good day.